मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको साउंड्स ऑफ वॉवल्स के बारे में बताया था कि वॉवल्स कैसी आवाजें निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट्स में से वॉवल्स निकालकर बाकी जितने भी बी सी डी एफ जी एच जी तक वॉवल्स के अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। मैंने आपको अपने पिछले एक लेसन में आपको सारे अल्फाबेट्स की आवाजें बताई थी, कॉन्सोनेंट्स की भी आवाजें बताई थी। बी कैसी आवाज निकालता है, सी कैसे निकालता है, डी कैसे निकालता है, एफ जी ये सारी कैसी आवाजें निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट तो हमने पढ़ा हुआ है कैसी आवाजें निकालता है, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड साउंड। कंपाउंड, कंपाउंड साउंड्स। यहां पे कंपाउंड साउंड से मुराद है, इसके मीनिंग ये है, हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा है बी सी डी एफ जी जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, ये हमारे हैं कॉन्सोनेंट्स। मैंने इन सब की एक एक करके सारी आपको बताई थी कि ये कैसी कैसी आवाजें निकालता है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड साउंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। कंपाउंड साउंड्स ये होता है कि जब ये सी और एच, सी एच मिलके कैसी आवाज निकालेगा। ठीक है, अब यहां पे सी एच और पी एच डबल एस, ठीक है, टी एच टी यू, यानी ये कॉन्सोनेंट जो है आपस में मिल मिलके, दो कॉन्सोनेंट्स तीन कर लें आपस में मिलकर ये कैसी आवाजें निकालेंगे। ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक करके उनको एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ये कॉन्सोनेंट्स है सारे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे के सी लेटर और एच लेटर। सी एच, जब सी और एच दोनों मिल जाएं तो ये किसकी आवाज निकालेगा, चे की। ठीक है, चे और काफ की। सी एच जब दोनों मिल जाएं, सी और एच कॉन्सोनेंट्स हैं, ये जब दोनों इकट्ठे आए तो ये चे और काफ की आवाज देगा। ठीक है, चे और काफ की आवाज देगा। चे कहां पे इसकी आवाज कहां देगा, चे की आवाज। अब ये देखते हैं चे की आवाज कहां कैसे देगा। इसकी एग्जांपल्स हैं चाइना, चाय ना देख। ठीक है, आइए देखें चाय ना। अब चौधरी, चौ धरी। चौधरी, चौक, चौक जिसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हो ना, चौक। ठीक है, आगे है चेंज, चेंज। इसके अलावा चैंपियन, चैम पी अन, चैंपियन। ठीक है, यहां पे किसकी आवाज दे रहा है, चे की। सी एच जब इकट्ठा, ये देखें सी एच सी एच सी एच सी एच सी एच, जब ये इकट्ठा आ जाता है तो कहां ये चे की आवाज देगा और कहां ये काफ की आवाज। तो मैंने अभी आपको बताया चे की आवाज कहां दे रहा है। चे की आवाजों के एग्जांपल्स हैं चाइना, चौधरी, चैंपियन, चौक, चेंज। ठीक है, यहां पे ये देगा
चे की आवाज। काफ की आवाज कहाँ देगा ये? इसकी एग्जांपल्स हैं स्कूल, स्कूल। देखिए यहाँ पे आ गया ना सी एच, यहाँ पे ये काफ की आवाज दे रहा है स्कूल। इसके अलावा क्रिस्ट, क्रिस्ट, क्रिश्चियन से क्रिस्ट। और आर्क, आर्क, स्टमक, स्टमक, स्टमक। स्टमक कहते हैं ना मैदा, ठीक है, स्टमक। अभी देखें सी एच सी एच सी एच सी एच, यहां पे ये काफ की आवाज दे रहा है, ठीक है दोस्तों। जब सी एच इकट्ठे आ जाएं तो चे और काफ की आवाज देता है। चे की आवाज कहाँ देगा? उसकी एग्जांपल्स हैं चाइना, चौधरी, चैंपियन, चौक, चेंज। काफ की आवाज कहाँ देगा? स्कूल, किस, आर्क, स्टॉमक। यहाँ पे ये काफ की आवाज देगा, ठीक है दोस्तों। एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहां सी एच जो है वो शीन की भी आवाज देता है, शीन की आवाज भी देता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है मशीन, मशीन, ठीक है, मशीन। देखिए सी एच है ना, यहाँ पे शीन आ रहा ना इसकी, शीन की आवाज। इसके अलावा पैराशूट, पैरा, शूट, ठीक है, ये देखें सी एच, पैरा शूट। यहां पे किसकी आवाज दे रहा है? शीन की। सी एच जो है चे की भी आवाज देता है, काफ की आवाज भी देता है, और सम वर्ड्स में ये शीन की आवाज भी देता है, ठीक है, पैरा शूट और मशीन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया सी एच, सी एच दो कॉन्सोनेंट्स हैं जो मिलकर इनकी आवाजें देते हैं। अब हम दूसरे कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे, पी एच, पी एच। जी दोस्तों पी एच जहां पे दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ये फे, फे और फे की आवाज देगा, पे, फे और फे की। अब फे की आवाज कहां पे देता है? फे की आवाज कहां देगा? इसकी एग्जांपल है फिलोसफी, फी लॉ सो फी। देखिए आपको स्पेलिंग याद करना बड़ी आसानी होगी, मेरी वीडियोस को जैसे आप देखते हो मैं बड़े आराम आराम से बताती हूँ कि इस तरह के स्टूडेंट को उसकी स्पेलिंग भी याद होते जाए, उन लेटर्स को कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, ये भी अच्छी तरह आ जाए। फी लॉ सो फी, जरा मुश्किल नहीं है वर्ड, फी लॉ सो फी, फिलोसफी। ये इसमें देखे फी फे, फे दो मरतबा आया है, पी एच पी एच, किसकी आवाज निकाल रहा है? फे की, फिलोसफी। इसके अलावा फोटोग्राफ, एक एग्जांपल इसकी है फोटो ग्राफ, ठीक है, फो फो टो ग्राफ। देखिए यहां भी पी एच दो मरतबा आया है, पी एच एंड पे पी एच, फोटोग्राफ, ठीक है। फोटो मैं दोबारा आपको लिख देती हूँ, फो टो फो। देखिए ओ की आवाज यहाँ पे देख ले, ओ की आ रही है। मैंने आपको वर्ड्स इसलिए पहले पढ़ा दिए हैं कि ताकि जब आप ये कॉन्सोनेंट्स पढ़ोगे तो ये कॉन्सोनेंट के साथ वॉवल्स मिलकर जो आवाजें देगा वो आपको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे देखें फो, ओ की आवाज दे रहा है यहाँ पे वो, टो फोटो ग्राफ, फोटो ग्राफ, पी एच पी एच, यहाँ पे फे की आवाज दे रहा है, ठीक है। अब इसकी और एग्जाम्पल है फॉर्मेसी, फॉर
मैसे, ये फॉर मैसे, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स, फिजिक्स, यहाँ पे देखिए फे की आवाज निकाली, फे की। फिजिक्स साइंस का एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये फे की आवाज कहाँ पे देता है, फे की आवाज कहाँ कहाँ देगा ये। इसकी एग्जाम्पल है फालिया, मंडी बहाउद्दीन का एक सिटी है फालिया, ठीक है, फालिया। और इसके अलावा और क्या है, फूल में, अभी फूल को तो इंग्लिश में फ्लावर कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे फे की आवाज कैसे निकालेगा उस तरह मुझे जहन में नहीं, अब फे की और मजीद एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको फे की आवाज कहाँ पे है, फूल, ये भी फे से बनेगा, फूल। ये हम उर्दू में इसको फूल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लावर। और फेरो, फेरो, ठीक है, ये है इसकी फे की आवाज, यानी पी एच जहां पे इकट्ठा आ जाए तो वो फे की आवाज भी देगा और फे की। तो फे की ये हो गई एग्जाम्पल्स, फे की ये हो गई, ठीक है, ये हमारी होगी पी एच की आवाजें। अब हम पढ़ेंगे टी एच, टी एच, टी एच कैसी आवाजें देगा, जब टी और एच इकट्ठा आ जाए तो वो टे की, ठीक है, टे की, थे की और दाल की आवाज देगा, टे, थे और दाल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि थे की आवाज कहां पे निकालता है, थे की आवाज, जी इसकी एग्जांपल क्या है, थर्स्टी, थर्स्टी, प्यासा, थर्स्टी, 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 थ की आवाज निकल रही है ना, थर्स्टी। इसके अलावा थीम, थीम, ठीक है, थीम। और इसकी एग्जांपल और है थ्रेड, थ्रेड धागे को कहते हैं थ्रेड, ठीक है। और ठीक है, ये है थे की आवाजें, टीएच, देखे टीएच इकट्ठा आया हुआ है, टीएच, टीएच, तो ये किसकी आवाज दे रहा है, थे की। अब आगे ये दाल की आवाज कहां कहां देता है, दाल की आवाज, जी दोस्तों जैसे मदर, मदर, ठीक है, फादर, दे, दी, और इसके अलावा देयर फॉर, ठीक है, देयर, देयर फॉर, इसलिए, ठीक है। ये देखें यहां पे द, 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 ये दाल की आवाज निकाल है, मदर, फादर, दे, दी, देयर फॉर, ठीक है, यहां पे ये दाल की आवाज दे रहा है। टी जो है वो टे की आवाज देता है, सिर्फ टी, ठीक है, सिर्फ टी जो है वो टे की आवाज देता है, टे की, जैसे टी, और टीम, इसके अलावा टीयर, देखिए यहां पे एच नहीं आया, सिर्फ टी आया, ठीक है, टी, 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 ये किसकी आवाज निकाल रहा है, टी की। अगर अगर टी के बाद, अगर टी के बाद सी एच आ जाए, अगर टी के बाद सी एच आ जाए तो वहां जो टी है वो नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, टी के बाद सी एच आ जाए तो टी आवाज नहीं देगा,
टी आवाज नहीं देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल वॉच, वॉच, देखिए वॉच, हमने टी यहां पे नहीं पढ़ा, वॉच नहीं कहा हमने, हमने क्या कहना है वॉच। इसके अलावा कैच, कैच में भी टी आता है ना, लेकिन यहाँ पे टी साइलेंट होगा, तो टी जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। इसके अलावा इसकी एग्जांपल है स्नैच, स्नैच, ठीक है। यहां भी देखिए टी आया हुआ है लेकिन टी आवाज नहीं देगा। अगर टी के बाद सी एच आए तो वहां पे टी आवाज नहीं देगा, ठीक है। एक ये भी इसका पॉइंट याद रखिएगा जी दोस्तों, अगर टी के बाद, अगर टी के बाद यू आर ई, टी कॉन्सोनेंट है ना, यहां पे यू और ई जो है वॉवल है, अगर ये तीनों लेटर्स यू आर ई, यू आर ई इकट्ठे आ जाए, अगर टी के बाद यू आर ई आ जाए तो वहां पे ये फिर चे की आवाज देता है, ठीक है। अगर टी के बाद यू आर ई आ जाए तो वहां पे वो चे की आवाज देगा। इसकी एग्जांपल है फर, फर नीचर, फर्नीचर, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर, आ गया ना टी के बाद यू आर ई, टी के बाद यू आर ई, ये देखें फर्नीचर, चे के बाद चर, फ्यूचर, ठीक है। इसके अलावा मिक्सचर, अमेजा को कहते हैं मिक्स, मिक्स चर, ठीक है, मिक्स चर। यहां भी देखिए टी के बाद यू आर ई आया, ये कौन सी आवाज देगा, चे की, मिक्सचर। इसके अलावा एक और मिसाल दे देते हैं, ये जो पंक्चर, पंक्चर लगाते हो ना मोटरसाइकिल, साइकिलों वगैरह को, पंक, पंक्चर, पंक्चर, ठीक है। यहां पे देखिए टी के बाद यू आर ई आया, पंक्चर, फर्नीचर, फ्यूचर, मिक्सचर और पंक्चर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है वो फिर चे की आवाज देगा जी दोस्तों। आप पढ़ते हैं कि अगर टी यू, टी और साथ वॉवल यू लेटर जो है, टी और यू एक साथ आ जाएं तो वो चे की आवाज देगा। जैसे अभी मैंने टी यू आर ई बताया था आपको, टी यू, ठीक है, लेकिन उसमें आर ई था। अगर टी यू अकेले दोनों आ जाएं, ठीक है, ये इकट्ठे आ जाएं, तो ये यहां भी चे की आवाज देगा, किसकी आवाज देगा, चे की, ठीक है। टी यू इकट्ठे आ जाएं तो यहां ये चे की आवाज देगा। इसकी एग्जांपल है एटी, एटीट्यूड, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड। इसके अलावा पंक चू अल, पंक चू अल, चे की आवाज दे रहा है ना यहां पे, एटीट्यूड, एटीट्यूड, पंक्चुअल, पाबंद, पाबंद, ये वक्त की पाबंदी को कहते हैं पंक्चुअल, ठीक है। और इसके अलावा एक्चुअली, असल में, एक्चुअली, एक्चुअली, यहां पे टी जो है चे की आवाज दे रहा है, चे, एक्चुअली, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा है अगर, अगर डी जी ई, अगर डी जी ई ये इकट्ठे आ जाएं, डी जी ई,
तो यहां पे ये जीम की आवाज देगा, ये इकट्ठे आ जाएं, तो किसकी आवाज देगा? जीम की। तो ये जीम की आवाज देगा। उसी एग्जांपल क्या है, हाँ जी, जब ये इकट्ठे हों तो जीम की आवाज देगा और वहां पे डी जो है वो साइलेंट पड़ा जाएगा, डी वहां पे आवाज नहीं देगा लेकिन वो इकट्ठा आएगा उनके साथ, ठीक है। जैसे जज, जज, डी जी ई, इसे जड ज नहीं हमने कहा, इसने कहना है जीम की आवाज देगा, जज। यहाँ पे ये जीम की आवाज दे रहा है लेकिन इसमें डी जो है वो साइलेंट होगा, ठीक है। डी क्या होगा? डी साइलेंट होगा, खामोश होगा, सॉरी, डी जो है वो साइलेंट होगा, डी जो वो आवाज नहीं देगा, ठीक है। इसके एग्जांपल है जज। इसके अलावा एज, किनारे को कहते हैं एज, यहां भी देख ले डी आवाज नहीं दे रहा, एज। और इसके अलावा बजट, बजट, ठीक है, बजट, यहां पे देखना डी जी ई आया लेकिन डी यहां पे साइलेंट होगा, बजट, ठीक है। अगला पॉइंट है अगर जी एच इकट्ठे आए, ठीक है, जी और एच इकट्ठे आए तो ये दोनों की आवाज नहीं देंगे, इन दोनों की आवाज नहीं आएगी उस वर्ड में, ठीक है। जी एच हो तो दोनों आवाज नहीं देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। जैसे इसकी मिसाल देखें, फ्लाइट, फ्लाइट, एफ एल आई जी एच टी, यहां पे देखिए जी एच इकट्ठा आया हुआ है लेकिन फ्लाइट, अब हमने यहाँ पे जी एच की आवाज नहीं निकाली, फ्लाइट, हमने फ्लाइट नहीं कहा, हमने कहा है जी एच यहाँ पे नहीं आएगा वर्ड के अंदर लेकिन वो आवाज नहीं देगा, जैसे फ्लाइट, ठीक है। इसके अलावा साई, साई, ठीक है। इसके अलावा हाई, आह को कहते हैं साई, हाई, हाई किसको कहते हैं? ऊंचा, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा। अब देखें यहां भी जी एच आया लेकिन इसने आवाज नहीं निकाल दी, यहां पे साई में भी इसने आवाज नहीं दी, ठीक है। इसके अलावा इसकी और क्या एग्जांपल है? थॉट, ठीक है। यहां पे देखिए जी एच आया है लेकिन यहां पे ये ना जी की आवाज देगा और ना ही ये एच की आवाज देगा, ठीक है। फ्लाइट, साई, हाई, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, और थॉट, ठीक है। यहां पे ये जी एच की आवाज आया है वर्ड के अंदर लेकिन ये जी एच की आवाज नहीं देगा। अगला हमारा पॉइंट ये है अगर डी के बाद, अगर डी के बाद तीन लेटर्स ई आई यू, ई आई यू, तीनों वोवल है ना, तीन लेटर्स में से कोई भी लेटर आ जाए, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो वो जीम की आवाज देगा, जीम की आवाज देगा, ठीक है। अगर डी के बाद ई आई यू में से कोई भी लेटर आ जाए तो वो जीम की आवाज देगा। इट मीन्स इसकी एग्जाम्पल है सोल्जर, सोल जर, डी आई ई आर, डी के बाद आई आया ना तो ये जीम की, सोल जर, डी आई जो है वो जीम की आवाज दे रहा है, सोल जर। इसके अलावा ग्रह, जुअल, आयसा, ग्रह, ग्रेजुअल, ये देखें जुअल, ग्रेजुअल। इसके अलावा और एग्जांपल इसकी है एमी,
फौरन, इमीजिएट, इमीजिएट, ठीक है, सोल्जर, ग्रेजुअल, इमीजिएट। यहाँ पे देखें, डी के बाद आई हुआ, जीम की आवाज निकाला, डी के बाद यू आया, जीम की आवाज, डी के बाद आई आया, जीम की आवाज, ठीक है। अब अगले लेटर है एस और एच। जी दोस्तों, एस और एच ये दोनों लेटर इकट्ठे आ जाएं, एस और एच जो है ये दोनों लेटर इकट्ठे आ जाएं, तो वहां पे ये शीन की आवाज देगा, वहां पे ये शीन की आवाज देगा, ठीक है। जैसे रश, ऐसा चाह गए यहां पे, शेयर, यहां भी ऐसा चाह गया, शेयर, शाइन, ये देखें एस एच, और इसके अलावा शेल, ठीक है, एस एच की आवाज, एस एच शीन की आवाज, एस एच शीन की आवाज, शीन की आवाज, रश, शेयर, यहां पे देखें ए जो अब निकाला है ना, ये की आवाज बताया ना मैंने आपको, शेयर, मैंने आपको बताया था जहां पे ई किसी वर्ड के एंड पे आ जाए फिर वो ई जो है अपनी आवाज नहीं निकाला, बताया आपको वोवल में भी, वोवल की आवाजों में भी, कि यहाँ पे ई नहीं पढ़ा जाएगा, शेयर, शाइन, इसमें भी ई नहीं पढ़ा जाएगा, शाइन नहीं कहेंगे हम, शाइन, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया शी, एस एच की आवाजें, तो एस एच किसकी आवाज निकालेगा, शीन की, एस एच क्या पढ़ा जाएगा, शीन की आवाज निकालेगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अगर एस से पहले, अगर एस से पहले, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छी तरह समझते जाएं, मैं बड़े आराम आराम से आपको बता रही हूं कि आपने इनको कैसे, जब ये आपको ये चीजें आवाजें निकालनी आ जाएंगी तो आप अच्छी तरह वर्ड्स को, इंग्लिश को पढ़ना आपको आ जाएगा जी। अगर एस से पहले ई, जी, वाई, ठीक है, अगर एस से पहले ई, जी, वाई, इन तीनों लेटर्स में से कोई भी लेटर आए तो वहां पे, ठीक है, एस जो है वो जे की आवाज देगा, किसकी आवाज देगा, जे की। अगर एस से पहले ई, जी, वाई हो तो एस जो है वो जे की आवाज देगा, ठीक है। जैसे ये देखें, एग्ज, एग्ज, ज, इससे एस से पहले जी आ गया ना, ठीक है, एग्ज। आगे चीज, एस से पहले ई आ गया, ठीक है, तो इसने किसकी आवाज निकाली, जे की, चीज। इसके अलावा वाई वाली कोई एग्जांपल हो, बॉयज, बॉयज, एस से पहले जी, ई या वाई, ठीक है, एस से पहले इन लेटर्स में से कोई भी आ जाए तो वो जे की आवाज निकालेगा, जैसे एग्ज, चीज, बॉयज, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगर टी आई, ठीक है, टी आई ओ, एस एस आई, अगर टी आई, टी आई ओ, एस एस आई, ये इकट्ठे आ जाएं तो वो एक साथ आ जाएं तीनों, तो वो क्या करेंगे, तो वो शीन की आवाज देगा, किसकी आवाज देगा, शीन की आवाज देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, पे,
अब ये देखिए यहाँ पे ए जो है वो ये की आवाज निकाल रहा है, पे शंट, टी आई आ गया ना यहाँ पे, पेशेंट, पेशेंट मरीज को कहते हैं पेशेंट। इसके अलावा स्टेशन, टी आई ओ आ गया यहाँ पे, स्टेशन, ठीक है, टी आई ओ। और इसके अलावा आगे है डबल एस आई की क्या एग्जांपल होगी, इम्प्रेशन, इम प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन, एस आई जो है, एस एस आई जो है वो शीन की आवाज दे रहा है, इम्प्रेशन, इम्प्रेशन, स्टेशन, पेशेंट, ठीक है, ये शीन की आवाज दे रहा है। इसके अलावा मोशन, हरकत को कहते हैं, और रेशो, ये देखिए टी आई, टी आई, ठीक है, और इनिशियल, ई नी शियल, यहां पे देखिए शीन की आवाज निकाल रहा है। और इसके अलावा एडमिशन, एड, ठीक है, मी शन, एडमिशन, एडमिशन दाखला, ठीक है, इनिशियल इब्तदाई, इनिशियल और एडमिशन दाखला, ठीक है। और लेकिन एक बात यहां पे और भी है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहां टी आई जो है वो चे की आवाज भी देता है, ठीक है, टी आई शीन की बजाय वो चे की आवाज भी देता है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना टी आई जो है वो शीन की आवाज दे रहा है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जहां पे टी आई जो है शीन की बजाय चे की आवाज देता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे है क्वेश्चन, क्वेस, क्वेस चन, ठीक है, क्वेश्चन सवाल, ठीक है, क्वेस, क्वेश्चन, यहां पे देखिए चन चे की आवाज है, क्वेश्चन। आगे क्रिश्चियन, क्रिस चियन, क्रिश्चियन, ठीक है, यहां देखिए टी आई जो है हमने क्वेश्चन नहीं कहा और ना क्रिश्चियन का है, हमने कहा क्वेश्चन, क्रिश्चियन, यहां पे टी आई जो है वो अब चे की आवाज दे रहा है, ठीक है, यानी टी आई सम वर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पे शीन की बजाय चे की आवाज देता है, लाइक क्वेश्चन एंड क्रिश्चियन। अगला है कि अगर एस यू, एस एस यू, एस सी एच, ठीक है, एस यू, एस एस यू, एस सी एच, ये इकट्ठे आ जाएं तो वहां भी ये शीन की आवाज देगा, कौन कौन सा, एस यू, एस एस यू और एस सी एच, तो वहां भी ये शीन की आवाज देगा। जैसे एस यू की एग्जांपल क्या है, शुगर, शुगर, और एस एस यू की एग्जांपल क्या है, एस एस यू इशू, यहां भी एस एस यू देखे शीन की आवाज दे रहे हैं, शू गर और इशू। इसके अलावा इंश्योरेंस, इन शो रेंस, इन शो रेंस, अब देखें एस यू आ गया, ठीक है, और सी एच वाला, सी एच की एग्जांपल है शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल,
ये देखिए शेड्यूल शेड्यूल, ठीक है। यहां भी ये शीन की आवाज दे रहा है, शीन की, शेड्यूल, इशू, इंश्योरेंस, शुगर, ठीक है। अब इसके अलावा और प्रेशर, प्रेशर, यहां पे ऐसा यू आया तो किसकी आवाज दे रहा है ये, शीन की, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर, ठीक है दोस्तों। ये हो गए एस यू, एस एस यू और एस सी एच, जहां पे इकट्ठे आ जाएं तो वो शीन की आवाज देते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट है कि अगर अगर किसी वर्ड के आखिर में, अगर किसी वर्ड के आखिर में एफ पी पीई टीई, ठीक है, एफ पी पीई और टीई ये हो तो उनके बाद जो एस आएगा, ठीक है, तो उनके बाद आने वाला एस जो है वो सीन की आवाज देता है। किसकी आवाज देगा? सीन की। अगर किसी वर्ड के आखिर में एफ पी पी ई टी ई हो तो उनके बाद जो भी एस आएगा, तो वो उनके बाद आने वाला जो भी एस होगा वो सीन की आवाज देगा, ठीक है, वो सीन की आवाज देगा। जैसे और से देखें, शिप, शिप्स, पी के बाद एस आया, इसने क्या किया, शिप्स। आगे हॉप्स, आगे जॉक्स, ठीक है, नाइट्स, सॉरी नाइट्स, और लिप्स, और रूफ्स, छते। यहां पे देखें, पी के बाद ऐसा आया शिप्स, हॉप, ठीक है, हॉप्स, जॉक्स और नाइट्स, ये एस के बाद ये देगा यहां पे, ठीक है ना, एफ के बाद, पी के बाद, टी के बाद, यानी जी एच टी एस नाइट्स। यहां पे देखें एस जो है वो फिर साइलेंट, ये जी एच यहां पे आवाज नहीं देगा, नाइट्स, ठीक है। बेहतर यह है कि आप साथ साथ उसको लिखते जाओ और इन चीजों को सीखने के बाद कोशिश कीजिएगा कि कोई भी पेपर या कोई भी इंग्लिश की बुक लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करें, इन वर्ड्स को जहन में रख के कि ये वर्ड जहाँ पे इकट्ठे हों तो कैसी आवाजें निकालेंगे उनको, फिर कोई भी बुक लेकर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, तो इंशाल्लाह देखिएगा आप जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीखेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, अगर किसी वर्ड के आखिर में, अगर किसी वर्ड के आखिर में वाई डबल ई आई ई जी ई और डबल जी और बी ई और जी, ठीक है, वाई डबल ई आई ई जी ई बी ई जी डबल जी, ये हो और इन सब के बाद जब एस लगेगा, जब एस लगेगा तो वो जे की आवाज देगा। पहले उसने सीन की आवाज दी थी ना, अब यहां पे वो जे की आवाज देगा एस जो है, ठीक है। किसी भी वर्ड के आखिर में जब ये वाले लेटर्स हो इकट्ठे और उनके एंड पे एस हो तो वो जे की आवाज देगा। इसकी एग्जांपल है रुपीज, रुपीज, बैग्स, देखिए आ गया जी के बाद एस,
डबल ई के बाद एस, तो ये कौन सी आवाज दे रहा है? जे की, ठीक है। इसके बाद पोनीज, पोनीज, रेज और एजिस, एज कहते हैं ना एज उम्र को, और एज्स क्या होगा उम्रे, एग्स, ठीक है। देखिए डबल पी भी आ गया, जी भी, और जी के आई ई भी, वाई भी, और जी ई भी, और डबल जी, यानी इनके इन वर्ड के बाद जब जो एस आएगा तो वो जे की आवाज देगा। वो किसकी आवाज देगा? जे की आवाज देगा, ठीक है। इन लेटर्स को जब आप अच्छी तरह लिख लो, एक मरतबा मेरी वीडियो को दोबारा बैक करके सबको एक एक करके लिखो, और फिर उनसे मैचिंग जो भी वर्ड्स हैं उनको पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह आपको इंग्लिश को पढ़ना आ जाएगा और साथ साथ लिखना भी आ जाएगा। शीन की आवाज ये निकालते हैं, जे की आवाज ये निकालते हैं, जीम, चे, काफ, तो देखिएगा इंशाल्लाह बहुत इंप्रूवमेंट होगी आप में। अब ये लास्ट पॉइंट है, तो इसमें अब ये है कि अगर एक्स, ठीक है, अगर एक्स, और से सुनिएगा, अगर एक्स से पहले ई, अगर एक्स से पहले ई हो और बाद में, अगर एक्स से पहले ई और बाद में ए ई एच, अगर एक्स से पहले ई हो और एक्स के बाद ए ई एच, ए ई एच ये हो तो वो क्या करता है? तो वो एग्स की आवाज निकालता है, एग्स, ठीक है, तो वो एग्स की आवाज निकालता है, एग्स, ठीक है, एग्स की आवाज, किसकी? एग्स। इसके एग्जांपल्स हैं एग्स, जी, एग्स जी, एग्स जी, बीशन, ठीक है, एग्जीबिशन, नुमाइश को क्या कहते हैं? एग्जीबिशन। तो क्या हो गया? एग्स। अब देखें आई आया ना यहाँ पे, ये एच आया ना यहाँ पे, अगर एक्स से पहले ई हो और एक्स के बाद ए ई एच, इनमें से कोई भी लेटर आए तो वो एग्स की आवाज निकालेगा, जैसे एग्जीबिशन, ठीक है, एग्जीबिशन। इसके बाद एग्जहॉस्ट, एग्स ऑस्ट, ठीक है, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। इसके अलावा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, एच आ गया, एच आ गया और ए आ गया। अगर एक्स से पहले ई हो, एक्स से पहले ई हो और एक्स के बाद एच, ए या ई हो तो एग्स के बाद निकालेगा, ठीक है, एग्जॉल्ट, एग्जॉल्ट, ठीक है। यहां पे देखें एग्स के बाद ये ए है तो एग्स, एग्जॉल्ट, ठीक है। उम्मीद करती हूं कि आपको इनमें से काफी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं इन चीजों, इन पॉइंट से काफी चीजों की समझ आ जाएगी। दुआ करती हूँ कि आपको अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ना, समझना और लिखना भी आ जाए। आप जैसे मैं वर्ड को पढ़ती हूँ वैसे उसको लिखने की कोशिश भी करें ताकि आपको उन चीजों के स्पेलिंग्स भी साथ साथ याद हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जीबिशन, अब टी आई ओ मैंने बताया था ना आपको, टी आई जो शीन की आवाज निकाल है, एग्जीबिशन, नमाइश, इस तरह आपको इनकी स्पेलिंग भी अच्छी तरह याद हो जाएंगी। आज तक के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।